हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम चुवाड़ विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह के क्वेश्चन एक साथ करेंगे चुवाड़ विद्रोह और पहाड़िया विद्रोह के क्वेश्चन करेंगे इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कुछ पांच है कुछ पाँच दस क्वेश्चन ही हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है तो हम उस क्वेश्चन को करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ भूमियों को चुवार कहा जाता था ठीक है चुआत या फिर चुवार कहा जाता था पलामू संथाल परगना या फिर जंगल महल, तो आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जंगल महल, जहाँ जंगल महल के जो भूमिये हैं ये भूमिज होगा ठीक है ये यहाँ पे भूमि लिखा हुआ है जंगल महल के भूमिजो ठीक है भूमिजों को चुवार कहा जाता था के जंगल माहल के जो भूमि होते थे उनको चुवार कहा जाता था तो इसको आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन ने है सबसे ज़्यादा सबसे पहले बड़ा भूमि एवं घाटशिला में चुवाड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था यानी कि चुवाड़ विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है सत्रह में सत्रह में या फिर सत्रह या फिर अठारह सौ दो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्रह सौ उनहत्तर ईस्वी में चुवाड़ विद्रोह हुआ था कहाँ बड़ा बड़ाभूम और घाटशिला में निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फोरविस और लेफ्टिनेंट गुड़ियार को भेजा गया था तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चुवाड़ विद्रोह हुल विद्रोह मुंडा विद्रोह या फिर चेरो विद्रोह इसका सही उत्तर हो जाएगा चुवाड़ विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था लेफ्टिनेंट फोरविस और गुड़ियार को ये दो नाम आप याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है केला पाल का जागीरदार सुबल सिंह दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पात्र ददका सरम श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के नेता थे धाल विद्रोह पहाड़िया विद्रोह भूमिज विद्रोह या फिर चुवाड़ विद्रोह तो ये आपको बताना है कि किस विद्रोह के नेता थे सुबल सिंह दामपाड़ा सरदार जगन्नाथ पात्र, ददका सरद श्याम गंजम ठीक है ये सब किस विद्रोह से संबंधित हैं ये सही उत्तर है चुवाड़ विद्रोह से संबंधित हैं ये चुवाड़ विद्रोह के नेता हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रह सौ तिरासी चौरासी में केलापाल के ज़मींदारों के नेतृत्व में पंचायत राज में अंग्रेजी अंग्रेजी अ, अंग्रेजी कंपनी ठीक है यहाँ पे कंपनी हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अंग्रेजी कम के जगह आप लोग इसे कंपनी पढ़ेंगे ठीक है अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में चुवाड़ विद्रोह को दबाने हेतु तो किस अधिकारी को भेजा गया था यानी कि पंचेत राज्य में जो है चुवा एक कंपनी का एक शासन व्यवस्था था सर्क शासन उसके खिलाफ चुवाड़ विद्रोह हुआ था तो उसको दबाने के लिए किसे भेजा गया था तो आपको बताना है मेयर कॉफ्रड रफरेज या फिर लेफ्टिनेंट नन या फिर लेफ्टिनेंट गुड़वार तो किसे भेजा गया था मेयर क्रॉफ्ट क्रॉफर्ड ठीक है मेजर मेयर क्रॉफर्ड ठीक है क्रॉफर्ड को भेजा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रह सौ अंठानवे में बड़ा मानभूम मानभूम बड़ा भूम एवं पंचेत राज्य में हुए चुवाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था यानी कि नेतृत्व कौन किया था ये आपको बताना है अर्जुन सिंह करण सिंह दुर्जन सिंह तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्जन सिंह दुर्जन सिंह ने नेतृत्व किया था चुवाड़ विद्रोह कहाँ पर किया था मानभूम बड़ा भूम और पंचेत राज्य में ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रह सौ अंठानवे में हुए चुवाड़ विद्रोह के संबंध में निम्न में से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको सही कथन बताना है यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ विद्रोह का मुख्य कारण राज को कर वसूली हेतु नीलाम्बर मित्रा के हाथों बेचना था या फिर विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुवाड़ों की भूमि उन्हें लौटानी थी या फिर उपयुक्त सभी कौन सा कथन सही है आपको बताना है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो सभी यानी कि सभी कथन सही है यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला कथन है चुवाड़ विद्रोह के बारे में कि दुर्जन सिंह नेतृत्व किया था इन्होंने सही बात है और विद्रोह का जो कारण था वो था नीलाम्बर मित्रा के हाथों जो कर वसूली है उसको बेच दिया गया था ठीक है और अगला जो है स्टेटमेंट वो है विद्रोह के बाद अंग्रेजों को जो है चुवाड़ों की भूमि लौटानी पड़ी थी जो बेच दिया था, था किसके नीलामर मित्रा के हाथों में अगला क्वेश्चन है झारखंड में चुवाड़ विद्रोह कहाँ हुआ था ये आपको बताना है वीरभूम मानभूम सिंहभूम या फिर धालभूम तो कहाँ पे हुआ था तो वीरभूम में हुआ था ठीक है सही उत्तर वीरभूम हो जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखा जाए तो वीरभूम इसका ठीक है वीरभूम चुवाड़ विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ था वीरभूम में हुआ था ठीक है और जैसे यहाँ पे बड़ा भूम भी मानभूम भी हो सकता है ठीक है तो इस ऑप्शन में ये दोनों आप लोग इसे मान के चलेंगे क्योंकि मानभूम में भी इस विद्रोह ये विद्रोह हुआ था ठीक है और वीरभूम दोनों आप मान के चलेंगे इसका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं पहाड़िया विद्रोह अब पहाड़िया विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन करते हैं झारखंड में प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था पहाड़िया विद्रोह मुंडा विद्रोह संथाल विद्रोह या फिर तिलका विद्रोह तो सबसे पहला जो जनजातीय विद्रोह है वो पहाड़िया विद्रोह को कहा जाता है ठीक है और ये सत्रह सौ बहत्तर से लेके सत्रह सौ बिरासी तक चला था। इसको पहला जनजातीय विद्रोह कहा जाता है दूसरा क्वेश्चन है पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक चला था ये आपको बताना है तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा सत्रह सौ सड़सठ से सतहत्तर सत्रह सौ पचहत्तर से अस्सी या फिर सत्रह सौ बिरासी बहत्तर से बिरासी या फिर सत्रह सौ सा, सॉरी अठारह सौ एक से अठारह सौ पाँच तक तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्रह सौ बहत्तर से बिरासी पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था सबसे पहला नेतृत्व किसने किया था इस विद्रोह का सूरज सिंह रमना आहड़ी या फिर सुंदरा पहाड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमना आहड़ी रमना आहड़ी ने सबसे पहला इसका नेतृत्व किया था पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था पद्मा की रानी महेशपुर रातू की रानी या फिर महेशपुर या फिर रंगा की रानी तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा महेशपुर की रानी ने सहयोग दिया था महेशपुर राजा की रानी रानी सर्वेश्वरी महेशपुर की रानी का नाम क्या था रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है सोलह सौ इकहत्तर में या फिर सत्रह सौ छियासठ सड़सठ सत्रह सौ सत्तर इकहत्तर या फिर सत्रह सौ इक्यासी बिरासी में जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सत्रह सौ इक्यासी बिरासी में और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रानी सर्वेश्वरी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था तो पहाड़िया विद्रोह आप लोग इसे याद रखेंगे ठीक है पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु तो उनकी भूमि को सन अठारह सौ को में परिवर्तित कर दिया किसकी भूमि को को में परिवर्तित कर दिया धाल विद्रोह के बाद या फिर मुंडा विद्रोह पहाड़िया विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पहाड़िया विद्रोह दामिनी को की घोषणा कब हुई ये आपको बताना है इसकी घोषणा कब हुई थी 1822 में 1823 में या फिर 1824 या फिर 1825 तो इसकी घोषणा कब हुई थी 1824 में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दामिनी को क्या है यह आपको बताना है कि दामिनी को क्या है तो ये क्या है संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा करना अंग्रेज़ों द्वारा दमन की एक प्रक्रिया या फिर ऐसी संपत्ति जो जमींदार द्वारा दमन के रूप में पृथक रूप में प्रयुक्त की जाती थी या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दामिने को क्या है तो दामिने को क्या है यह संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा यानी कि जो संथाल परगना है उसके पूरे क्षेत्र को सरकारी भूमि के रूप में घोषित कर दिया गया था और इसे क्या कहा गया दामिने ठीक है इसे दामिने कहा गया तो आपको याद रखना है कि दामिने का मतलब क्या है और किस क्षेत्र के लिए उपयोग हुआ था तो संथाल परगना के लिए इसका उपयोग किया गया था तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग तमाड़ विद्रोह और उससे उसके आगे फिर तिलका आंदोलन और जो भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो में पहली बार हम मेरे साथ जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू मिलते हैं अगले वीडियो में